अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? फैसल कुरैशी हेयर। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके बाद काफ़ी वाहवेला मच गया था। मेरे फैंस भी परेशान थे, दोस्त भी परेशान थे। सुबह से मैसेजेस कर करके सब ने बुरा हाल किया हुआ था। मैं जिस जगह पे था वहाँ पे सिग्नल्स थे नहीं, तो एनीवे कॉल्स पे कॉल्स भी आ रही थी। बट आई एम वेरी थैंकफुल कैसर खान निज़ामानी साहब, जो कि कराची हाई कोर्ट और कराची बार के लॉयर हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेट के ये क्या मसला है भाई। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप समझते ही हैं कि एज एन एक्टर इसमें हमारा कोई फॉल्ट होता नहीं है, जो लिखा हुआ होता है वो हम बोलते हैं। पर हाँ, इस प्ले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने सेल्फ पर पर्सनली, मतलब उनको हमने कहा ये नहीं बोलेंगे हम, ये नहीं बोलना चाहिए। तो हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली। कभी कभार गलती से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, वो आगे जाके कट भी सकती हैं। बट एनीवे वो ऑन एयर चला गया, जिसकी वजह से जो हमारे लॉयर भाई हैं वो नाराज़ हुए। आई एम वेरी सॉरी अगर किसी के दिल को तकलीफ पहुंची है। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को तकलीफ पहुंचाऊं, बिकॉज मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं, और अगर कोई मेरे बारे में भी इस तरह की बात करता है तो तकलीफ होती है। सो हमारी कोशिश है कि आइंदा ऐसा ना हो। पर थ्रू कैसर खान निज़ामानी साहब हमारी बात हुई।